नगरपालिका निगम भिलाई क्षेत्र की सड़कों के नवीनीकरण एवं संधारण का कार्य जोर शोर से किया जा रहा है। इसी कड़ी में दक्षिण गंगोत्री रेलवे क्रॉसिंग से अंडरब्रिज सुभाष चंद्र चौक तक सड़क नवीनीकरण का कार्य 60 लाख रुपयों की लागत से किया जा रहा है। महापौर नीरज पाल स्वयं जाकर सड़कों की गुणवत्ता का निरीक्षण समय समय पर कर रहे हैं। संबंधित एजेंसी को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए महापौर ने कहा है कि निर्धारित समय सीमा के अंदर सड़क निर्माण कार्य हो जाना चाहिए। गुणवत्ता में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही जी रोड से लगे हुए आजाद नगर को विकसित करने के लिए निगम के इंजीनियर अर्पित बंजारे को प्रपोजल बनाने के लिए कहा गया है। निगम भिलाई के इस पहल से स्थानीय निवासियों व्यापारियों में खुशी व्याप्त है। महापौर नीरज पाल ने बताया कि यह कार्य बहुत आवश्यक था। इसके बन जाने से हम सबको, आने जाने वालों को बहुत सुविधाएं मिलेंगी। नगर निगम भिलाई क्षेत्र के सड़कों के संधारण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। इसके लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। निगम के सभी जोनों के मुख्य सड़कों का नवीनीकरण का कार्य शुरू हो गया है। देखिए, सड़कों की स्थिति का जायजा जो है वो कुछ समय पूर्व लिया गया था और ये था कि जो सड़कें हैं उनको सुधारने के लिए इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनके निर्देश प्राप्त हुए हैं और उनके निर्देश के तहत में उन्होंने राशि स्वीकृति की भी घोषणा की थी, जिसमें 5 करोड़ जो है उस राशि से सड़क के जो डामरीकरण कार्य हैं और पेच रिपेयर वर्क है, पोर्ट होल का काम है और सड़कों के मरम्मत और संधारण का काम है, दुरुस्तीकरण का काम है, वो काम जो है वो नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत किया जा रहा है। इसके तहत में जो है रामनगर मुक्तिधाम के समीप का जो रास्ता है वो उस रास्ते पर और प्रदर्शनी परिसर के रास्ते पर, खमरिया पर और ऐसे जो खुर्शीपार क्षेत्र में MPR रोड हो गया, तो ऐसे नगर पालिका भिलाई में बहुत सारे ऐसे जो सड़क थे जो मुख्य मार्ग से जिनको जोड़ा जाता था और NH से भी उनकी कनेक्टिविटी रहती थी और जो जर्जर अवस्था में थे उन पर काम किया जा रहा है। नंदनी रोड के जो लेफ्ट साइड का एरिया है, जो नंदनी रोड पावर हाउस से नंदनी रोड जाने वाले जो रास्ते हैं, उसका भी जो है सड़कों का स्थिति ठीक किया जाएगा। इस प्रकार से नगर पालिका भिलाई क्षेत्र अंतर्गत जितनी भी अच्छी प्रमुख सड़कें हैं उनको दुरुस्तीकरण का काम जो है शीघ्रता से किया जा रहा है, जिसमें माननीय महापौर जी और माननीय आयुक्त महोदय ने भी जो है इसका निरीक्षण किया है। इसके साथ में अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण काम करने और शीघ्र कार्य करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। निगम भिलाई अपने सीमित संसाधनों से हम सब स्थानीय निवासियों के लिए आवागमन हेतु बेहतर सुविधा प्रदान करने का प्रयास कर रहा है और इस कार्य में सबके सहयोग की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।